आप सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। परमात्मा इस संसार के अंदर जीव को कल्याण के लिए, इस आत्मा की चढ़ाई के लिए, जन्म मरण से मुक्ति के लिए, स्वयं की खोज के लिए, उस अनंत तक पहुंचने के लिए अनेकों मार्ग खोलता रहता है। और जीवन निरंतर बहता रहता है नदी की तरह से, लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार से नदी के ऊपर पुल बना दिया जाता है, मकान बना दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी जाती हैं, बांध बना दिए जाते हैं, सब कुछ तैयार होने के बाद काल के अधीन हो जाता है। और जब वो तैयार होता है, चाहे प्रकृति हो चाहे शरीर हो चाहे कुछ भी इस संसार के अंदर जो आप इन आँखों से देख रहे, और कुछ वस्तुएं जो आपको इन आँखों से नहीं दिखाई देती, वो भी उसी समय नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। एक एक पल नष्ट क्रिया जो होती है वो शुरू हो जाती है, और काल अपने अनुसार उन वस्तुओं को, उन जीवों को, उन शरीरों को नष्ट करना शुरू कर देता है। जो इस काल की चाल को समझ लेता है, जो इस काल के नियम को समझ लेता है, क्योंकि काल भी परमात्मा ने ही बनाया है, माया भी परमात्मा ने बनाई है, जीव भी परमात्मा ने बनाए हैं, प्रकृति भी परमात्मा ने बनाई है, तो सब कुछ उसके अधीन चलता है, उसी के अनुसार चलता है, उसी के नियम में रह करके सब कार्य होते हैं। उसके नियम के बिना कोई भी कार्य बाहर नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, ताकत की आजमाइश कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसके नियम से बाहर नहीं होता। तो वो अपना काम नियम से करता है, लेकिन ये जीव जिस कार्य के लिए इस धरा के ऊपर भेजा है, वो अपना कार्य भूल जाता है। भ्रम के कारण समझो, भूल के कारण समझो, और जो नींद में खोए हुए हैं, संसार में खोए हुए हैं, चाहे इस कारण समझो, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन लक्ष्य से ये जीव भटक जाता है, मार्ग से दूर होना शुरू होता है। कुछ लोग कर्म को कर्म से काटने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कर्म से कर्म को नहीं काटा जा सकता कि आप कोई एक बुरा कर्म कर दो, 100 अच्छे कर्म कर दो, वो कर्म नहीं कट सकता। आप इस प्रकार से समझो, जैसे आपका हाथ अग्नि के अंदर जल गया है, आप जलने के बाद उसके ऊपर एकदम से बर्फ़ डाल दो, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वो समय के अनुसार, उसी के अनुसार उस दवाई का प्रयोग होगा, तब उसमें आराम होगा। अगर बर्फ़ के अंदर हाथ गल जाए, पैर गल जाए, हम पहाड़ों के अंदर गए, वहाँ देखा कि लोग किस प्रकार से रहते हैं, कैसे काम करते हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं, कितना संघर्षशील जीवन है। पैरों के अंदर बर्फ लग लग के जख्म हो जाते हैं, पैर गल जाते हैं, और बहुत
परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर उन पैरों के अंदर जो बर्फ लग लग करके जख्म हो गए हैं उनके ऊपर अग्नि रख दी जाए या उनको सेका जाए, क्या वो स्वस्थ हो जाएंगे? नहीं हो सकते। उसी प्रकार से मानव के जो कर्म हैं, जितने भी कर्म हैं, ये एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। जो कर्म आगे आएगा उसी का भुगतान होगा। अगर अच्छा कर्म सामने आएगा तो सुख की प्राप्ति होगी, बुरा कर्म सामने आएगा तो दुख की प्राप्ति होगी। लेकिन कोई ये समझे कि एक दूसरे से ये कट जाएंगे, ये असंभव है और ये मूर्खतापूर्ण बातें होंगी। ये कुछ लोग जो भ्रमित करने वाले हैं, जिनको कर्म की गति का ज्ञान नहीं है, कर्म के प्रभाव का ज्ञान नहीं है, कर्म का अनुभव नहीं है, कर्म की जानकारी नहीं है, वो मन घड़ंत बातें घड़ते रहते हैं, चलाते रहते हैं। लेकिन हम बिना भजन के और क्रिया जितने भी संसार के अंदर हैं उनके द्वारा इनको न काटा जा सकता है, न घटाया जा सकता है, न कर्म को कमज़ोर किया जा सकता है। इसलिए मैं ये बोलता हूँ बार बार, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं केवल परमात्मा का नाम लेने से किस प्रकार से ठीक हो जाऊँगा, मैं केवल नाम से ये मेरे इतने बड़े रोग कैसे ठीक हो जाएंगे। ये नाम तो छोटा सा है और रोग मेरा इतना बड़ा है, इतना भयंकर रोग इस नाम से कैसे ठीक होगा? वो नाम की ताकत को नहीं जानते, नाम की ताकत का उनको अनुभव नहीं है। जिस प्रकार से बरगद का वृक्ष हो, उसका छोटा सा बीज अगर आपके हाथ के ऊपर रख दिया जाए और कहा जाए कि ये बहुत बड़ा वृक्ष है, आप इसको देखो, कोई भी नहीं मानेगा, पागल बताएगा कि ये तो मूर्ख है, ये तो है ही नहीं, ये तो छोटा सा दाना मात्र है, इससे क्या होगा, इससे तो कुछ नहीं होने वाला, और इतना बड़ा वृक्ष कैसे हो सकता है ये। लेकिन अगर आप उसको ज़मीन के अंदर बीजोगे, उसको सींचोगे, वातावरण दोगे, रक्षा करोगे, प्रकृति के अनुसार जब वो बढ़ेगा, 10-20 वर्ष बाद जब आप उसको देखोगे वो एक विशाल रूप ले लेगा। उसी प्रकार से ये नाम है, ये नाम भक्ति का बीज जब आपके दिमाग के अंदर पड़ेगा तो आपके दिमाग के अंदर जो एनर्जी जागृत होगी, ये जो दिमाग है मानव का, ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से ये भूमि है, बाग बगीचे हैं, खेत खलिहान हैं, उसी प्रकार से है। जैसा बीज हम बोते हैं उसी प्रकार की फसलें आनी शुरू हो जाती हैं, उसी प्रकार के वृक्ष पेड़ पौधे शुरू हो जाते हैं आने।